दोस्तों अगर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो गवर्नमेंट द्वारा एक नया सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, जिस सर्टिफिकेट को दोस्तों आप ऑनलाइन आसानी से बनवा सकते हैं एंड तुरंत उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट को कैसे इशू करना है, कैसे डाउनलोड करना है और इस सर्टिफिकेट के क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों इस सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए सबसे पहले आपको myLPG.in के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे भारत गैस, HP और इंडेन तीनों गैस कंपनियां दी गई है। तो जिस भी कंपनी का आपके पास गैस सिलेंडर है उस कंपनी के नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमारे पास HP का है तो हम HP के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सर्विसेज देखने को मिल जाता है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा यह सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को दो तरीके से इशू करा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, एक नागरिक के रूप में दिया गया है और एक संगठन के रूप में। तो अगर आप एक नागरिक हैं तो ऐसे में दोस्तों आप नागरिक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने नाम का जो टाइटल होता है उसे सेलेक्ट करना है, यानी कि नाम के आगे जो भी आप लगाते हैं। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया है, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आपका जो पूरा नाम है उसे दोस्तों यहां पर आपको एंटर कर लेना है, जो भी आपका नाम है। यहां से दोस्तों आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, इस प्रकार से। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर एक आपको आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, अदर्स में आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो डॉक्यूमेंट का नंबर है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके डॉक्यूमेंट पर दिया गया है उसे यहाँ पर कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपके एड्रेस का जो पिन कोड है जहाँ पर आप रहते हैं उसका पिन कोड आपको यहां पर टाइप कर देना है। जिस राज्य में दोस्तों आप रहते हैं उस राज्य को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर दोस्तों भारत के सभी राज्य देखने को मिल जाते हैं तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आपको अपना एक ईमेल आईडी दे देना है, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहां पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है जो मोबाइल नंबर एक्टिव है, ठीक है। ये सब चीजें डालने के बाद दोस्तों नीचे दिया गया भाषा के चयन के लिए आगे बढ़ें, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जिस लैंग्वेज में दोस्तों आप अपना सर्टिफिकेट इश्यू कराना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर रीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रीड पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई आएंगी, यहां पर आप देख सकते हैं। इसे दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी यहां पर लिखा हुआ आ रहा है उसे ध्यान से पढ़ना है। इसे पढ़ते ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि यह सर्टिफिकेट क्यों इश्यू किया जा रहा है, इसके क्या लाभ है, सब कुछ दोस्तों इसी के अंदर बताया गया है। तो इसे आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों नीचे दिया गया है आई प्लेज, यानी कि मैंने प्रतिज्ञा ली, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जाएगा इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको कहां से पता चला है, तो नीचे कई ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से दोस्तों आपको सोशल मीडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंटरनेट द्वारा यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया सेलेक्ट करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वह OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे OTP डाल के सबमिट करेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वह इश्यू कर दिया जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट को दोस्तों आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहां पर डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह सर्टिफिकेट दोस्तों आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को देखेंगे तो यहाँ पर सत्यमेव जयते का लोगो दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम मेंशन किया गया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर और एक बारकोड यहाँ पर दिया गया है, जो कि सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है और यह सर्टिफिकेट के लाभ क्या है, क्यों इश्यू किया गया है, सब कुछ दोस्तों इसी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों
आप इस सर्टिफिकेट को इश्यू करा सकते हैं एंड हाथों हाथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।